हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अर्चना झा चौधरी ब्लॉग। फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है और आज मैं देहरादून में स्थित टपकेश्वर मंदिर आई हुई हूँ। टपकेश्वर महादेव पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा कि हम लोग घर से मंदिर के लिए निकले हुए हैं और इस वीडियो में आप मंदिर के अंदर का व्यू देखेंगे। यहाँ से हम शुरू करते हैं मंदिर में प्रवेश करना। यहाँ से रास्ता है तो यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं। हम लोग शाम 5 बजे पहुँचे हैं तो ज्यादा भीड़ नहीं है, बट अब अगर आप मॉर्निंग में जाते हैं या स्पेशल ओकेजन पर जाते हैं तो यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, जैसे सावन हो या शिवरात्रि हो। शिवरात्रि यहाँ पर बहुत धूमधाम से मनाया जाता है तो यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है। सावन के मंथ में भी यहाँ बहुत भीड़ रहती है। यह मंदिर टोस नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर बहुत लंबी बैक रिवर है। इस नदी को टोस नदी कहते हैं और यहीं पर महादेव टपकेश्वर जी का मंदिर है। यह मंदिर एक गुफा के अंदर है और इस मंदिर में दो शिवलिंग हैं। एक शिवलिंग वहाँ पर है जहाँ पर तपस्या करते थे, उनका पूजा अर्चना करते थे, और दूसरा मंदिर थोड़ा उससे पहले है, यानी कि एंट्री द्वार पर ही है। दोनों शिवलिंग पर बर्फ की बूंदे गिरती है, यानी पानी की बूंदे टपकती है, जिसके कारण महादेव शंकर टपकेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो पौराणिक कथा के अनुसार गुरु द्रोण यहाँ पे तपस्या करते थे और यहीं पर रहते थे। गुरु द्रोण का पुत्र अश्वत्थामा है और उनकी पत्नी अश्वत्थामा यानी अपने पुत्र को दूध नहीं पिला पा रहे थे। हेल्थ इश्यूज के कारण अपने चाइल्ड को दूध नहीं पिला पा रहे थे, तो इसीलिए द्रोणाचार्य ने तपस्या किया, भोलेनाथ से शंकर जी से प्रार्थना किया कि आप मेरे पुत्र के लिए दूध प्रदान कीजिए। तब भोलेनाथ ने वहाँ पर चट्टान से दूध की बूंदें गिरती थी। यहाँ पर एक शिवलिंग भी है और शिवलिंग पर पहले दूध की बूंदें गिरती थी, जिसे पीकर अश्वत्थामा बड़ा हुआ। और उस युग महाभारत का जो युग था, उस बीतने के बाद कलयुग में जो दूध का स्थान पानी ने ले लिया, तो अब वहाँ पर पानी की बूंदें टपकती हैं। तो जब आप यहाँ आएंगे तो आप खुद देखेंगे कि यहाँ पर हर जगह पानी की बूंदें टपकती हैं। यहाँ जाने के बाद आप स्नान भी कर सकते हैं और स्नान करने के बाद यहाँ से जल भर कर शिवलिंग पर चढ़ा सकते हैं। जहाँ सर अश्वत्थामा के लिए दूध टपकता था और अभी यहाँ पे गंगा जल टपकता है, तो देख सकते हैं यही है टपकेश्वर महादेव। इनको मन से और अंतर ध्यान से ध्यान होकर इनको प्रणाम कीजिए, आशीर्वाद लीजिए। भगवान टपकेश्वर महादेव आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। टपकेश्वर महादेव यानी कि टप का मतलब होता है टपकना। जिनके ऊपर लगातार पानी की बूंदे गिर रहे हैं उन्हें टपकेश्वर कहते हैं। यहाँ पर एक शिवलिंग है और शिवलिंग के ऊपर लगातार पानी की बूंदे टपक रही है, इसीलिए ये मंदिर टपकेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर शहर से 6 किलोमीटर दूर गढ़ी कैंट पर स्थित है। यहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी रहती है, दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से आते हैं। बस स्टेशन एंड रेलवे स्टेशन से यह मंदिर पास पड़ता है और इन सभी जगहों से आपको टैक्सी मिल जाएगा, एयरपोर्ट से भी आपको टैक्सी मिल जाएगा। यह बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर विदेशी टूरिस्ट भी बहुत आते हैं।
यानी चट्टान से पानी की बूंदें टपकती है और यहाँ का जो चट्टान है वो बिल्कुल सफेद है, वाइट है, ऐसे लग रहा है जैसे मिल्क से बना हुआ है। और इनकी महिमा इतनी है कि लगातार यहाँ पर पानी की बूंदें टपकती रहती है, बट इसमें बिल्कुल भी काई नहीं है। ऐसे लगता है जैसे कि आज ही यह शिला बना है। और इतना अच्छा, इतना मतलब हृदय को छूने वाली यहाँ की जो मंदिर है। तो इसी टॉस नदी के तट पर गुरु द्रोण रहते थे, उनकी पत्नी, और उनका शिशु यानी कि अश्वस्थामा का परवरिश हुआ। यहीं पर गुरु द्रोण स्नान करते थे, इस टॉस नदी के तट पर स्नान करते थे और यहाँ पर शिव जी का पूजा करते थे, तपस्या करते थे। यहीं पर इनकी पत्नी इनके लिए भोजन तैयार करती थी और यहीं पर अश्वस्थामा का पालन पोषण हुआ। अश्वस्थामा बड़े करने के बाद हम ऊपर जा रहे हैं, सीढ़ियों से चढ़ रहे हैं और यहाँ पर लोहा का सीढ़ी है, एडवेंचर करते हैं उनके लिए, यह एक एडवेंचर है। तो हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम लोग चढ़ रहे हैं ऊपर और हमने कहा हम ऊपर भी जाएंगे, यहाँ भी दर्शन करेंगे और यहाँ भी अच्छी तरह से घूमेंगे। तो सबसे पहले मुझे ही चढ़ा रहे, कह रहे थे आप चढ़ जाओगे तो हम लोग भी चढ़ जाएंगे। रेडियो चढ़ ले तो अगर चढ़ पाए तो फिर हम चलेंगे। हर जगह सब आगे रहता है चढ़ने के लिए, हटना तो साइड करा, और किसी भी काम में ये सबसे आगे रहता है, खास करके जहाँ हम उसे मना करते हैं उस जगह वो सबसे पहले जाएगा। रुक जाना भैया जरा, माता जी का मंदिर बना हुआ, जैसे सब मंदिर में होता है वैसे ही हम ही हैं, बजरंग बली हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यह एरिया कितना सुंदर लग रहा है, ये मंदिर टोस नदी के उस तरफ और टोस नदी के इस तरफ, बीच में टोस नदी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यह जगह कितना अच्छा लग रहा है देखने में, कितना सुंदर लग रहा है। और यहाँ पर बजरंगबली की बहुत बड़ी मूर्ति है, तो मैं यहाँ से इनको शूट कर रही हूँ बट बहुत पास होने के कारण कैमरा में नहीं आ रहा है। यह वीडियो यहीं तक है, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो, समझ में आ रही हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर वीडियो बहुत पसंद आई हो तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।